हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 दिनों से हुई बारिश बर्फबारी में ठंड बढ़ गई है। मार्च महीने में भी ठंड ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने को विवश कर दिया है। प्रदेश में 24 मार्च तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। हाँ देखिए, पिछले 24 घंटे की बात करें तो एक एक्टिविटी के कारण पूरे प्रदेश में ही बहुत से स्टेशन पे बारिश रिकॉर्ड की गई है, और जो शिमला डिस्ट्रिक्ट हाई रिचेज हैं, चंबा है और नॉर्थ दिल्ली और कुल्लू है, इसके हाई रिचेज में स्नोफॉल रिपोर्ट की गई है। अमाउंट वाइज बात करें तो सिरमौर में हैवी रेनफॉल रिपोर्ट की गई 80.5 mm, वहीं सोलन में 60 mm, राजगढ़ में 54 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन में मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल रिपोर्ट की गई है, और जो बाकी शेष डिस्ट्रिक्ट हैं बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, यहाँ पे पिछले 24 घंटे में लाइट बारिश रिपोर्ट की गई है। और तापमान की बात करें तो जो डे टेम्परेचर हैं अभी सामान्य से 5 डिग्री कम चल रहे हैं, और आगामी अगर 5 दिनों की फोकास्ट की बात करें तो देखिए, आज 21 तारीख को भी जो हमारे प्लेन और मिडिल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल जारी रहने की संभावना है, और जो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर हल्की स्नोफॉल होने की संभावना है। फिर कल 22 तारीख को थोड़ी वेदर में कमी आएगी, और फिर 23 तारीख तक ऐसा मौसम रहेगा, परंतु 23 तारीख की रात से 1 WD अप्रोच कर रहा है प्रदेश में, और इसके चलते फिर 23 की रात से लेकर 24 और 25 तारीख तक प्रदेश में एक और एक्टिव वेट स्पेल रहेगा, और ये जो मौसम है ये 26 तारीख से थोड़ी कमी आने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।